काटेगा। अच्छा नहीं काटा नानी का केक। हैप्पी बर्थडे टू मम्मी। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। हाय गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आधी रात में, क्योंकि 12 बज रहे हैं एंड 2 अक्टूबर और आज मम्मी का है बर्थडे। तो वैसे मम्मी पापा जो हैं वो काफ़ी देर से सो रखे हैं, लेकिन कौन आया, क्या मम्मी खुद ही आई हैं अपने बर्थडे पे गेट खोलने या पापा आए हैं? आई एम प्रीटी श्योर मम्मी है। मम्मी बज गए 12, हैप्पी बर्थडे। देखो पूरे 12 बज आ गए, मतलब ये घड़ी थोड़ी सी पीछे है, 12 बज गए हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। माता जी का बर्थडे है, मम्मी का बर्थडे है, ओए होए मम्मी का बर्थडे है। क्या बात है, 12 बजे मेरे को क्या लगा। वैसे मैंने मम्मी को दोपहर में ही बता दिया था कि मम्मी मैं केक नहीं लेके आने वाला, क्योंकि केक हम ले आते हैं खाता कोई है नहीं, फिर वो वेस्ट हो जाता है, तो इसलिए इस बार नो केक की वेस्टेज। लेकिन यहाँ पे तो ये ऑलरेडी एक केक पड़ा हुआ है, ये कहाँ से आया है? तनिष्क। आपके बर्थडे के लिए? हाँ। ये अच्छा है, ये वाला केक बढ़िया है, ये तो खाया भी जाएगा। चलो भाई, चाकू है तैयार और पापा भी तैयार, केक है तैयार, काटने वाले भी तैयार, पर साथ वाले पापा है गायब। तैयार के साथ बाथरूम मैच नहीं होगा। नो सॉरी, गाना फ्लॉप हो गया। केक अच्छा लग रहा है वैसे, सही है ये। पापा जो, चलो चलो मम्मी कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओए होए, अभी मेरा एक गाना गाने का मन था, बट फिर वो सारे का मा पा वाले जो है क्लेम मार देते तो इसलिए रह नहीं देते। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है जी। मेरे को भी खिला दो, पहले मम्मी को तो खिलाओ पापा। खिला दिया भाई, ये लो मम्मी, हैप्पी बर्थडे। मुझे भी खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा है, क्या पापा से दूर रखना, पूरा खा लेंगे। है सच में, छोड़ दिया आपने मीठा। ओके, केक कर दिया खत्म, सो जाओ बाप, सुबह सेलिब्रेट करेंगे। The next morning. Good morning guys. Good morning. और आज देखो भाई, तुम सामने खाना देख रहे हो, ये सिर्फ मैं और ये भाई खाने वाले हैं। दो मुझे पता है ये नहीं खाने वाले, सारा खाना मैं खाने वाला हूँ, बट आई एम लविंग इट। और ऊपर से एक प्लेट और आ गई, तो मतलब इतनी सारी प्लेट है, मैं अकेला खाने वाला हूँ, बहुत मोटा हो रहा हूँ, जिम जा नहीं पा रहा, क्या कर सकते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, गुड नाइट। इस टाइम हम जाए दिल्ली वापसी, और दिल्ली जाने से पहले मैंने सोचा आज मम्मी जी का बर्थडे है, हमारी प्यारी मम्मी का बर्थडे, गांधी जयंती वाले दिन आता है, और वैसे सभी का हमारे घर में ना अलग अलग डे पर बर्थडे आता है, निश्चय का, चिल्ड्रंस डे है मम्मी का, गांधी जयंती, और पापा का भी इंडिपेंडेंस डे के पास ही आता है 10th अगस्त। बट अब सोच रहा हूँ मैं एक बार प्यारा सा मम्मी के लिए गिफ्ट ले लेते हैं, तो आओ लेट्स टेक इट। ओके बॉयज, तो वी आर ऑफ टू दिल्ली नाउ, और हमने ले लिया अपना सामान, मम्मी के लिए गिफ्ट ले लिया, और बहुत ही प्यारा गिफ्ट लिया है। इनको बस यही डर है कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, और मुझे भी यही डर है हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, क्योंकि पहले हम एक चीज़ और की बिलिंग करवा रहे थे, बट वो चीज़ हमारे को एंड में लगा कि इससे भी अच्छी चीज़ मिल सकती है, तो हमने वो ले ली। और आई होप मम्मी को गिफ्ट पसंद है, और तुम्हारे को भी आगे पता चल जाएगा मम्मी को हमने क्या दिया है। मम्मी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैं तो गाने गा रही थी, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। मैं सोच रहा हूँ बिग बॉस से घर से निकलने के बाद घर में कब रुका है? रहता ही नहीं है घर में। मेरे हिसाब से शायद 1 हफ्ता मैक्सिमम, 7 दिन रुकाऊंगा। वो 7 दिन मैं नहीं थी, समय नहीं रहा जीवन में, इतना बड़ा बैग उठा के लाऊं, वो वाला बैग भाई। भाई मम्मी सांस भर आ गई। और कैसे हो बड़े बड़े गर्ल, आप तो उम्र के साथ जवान हो जा रहे हो एवरीडे। प्यार है ना बच्चों का। ओहो, खुश रहती हूँ मैं तो फिर जवान। आओ एक बार इधर आओ, चलो आजो आजो। नोनू का उठा ही नहीं, पापा का है, पापा जी प्यारी बोना। जीते रहो, कैसे हो? हेलो, नोनू का नाम लिया, नोनू आ गया। वाओ वाओ गाइस वाओ, हाउ आर यू? एकदम मस्त। पापा आपके पोस्ट चेंज नहीं होते। मम्मी आपका बर्थडे है, हम मम्मी के लिए गिफ्ट लाए हैं। मैं तो पहले क्या कह चुके हो?
मैंने कहा मेरे हिसाब से आपको कहीं से गिफ्ट आएगा कोई। अच्छा पापा को पता चल गया ना ट्रांजैक्शन हो गई, पापा भी तो स्मार्ट है। तभी मेरे को कह रहे कहीं से तेरे को गिफ्ट आने वाला है, मैं तो नहीं पर कहीं से आएगा। तो मैंने कहा कहीं गिफ्ट तो आएगा, मेरे को पता था पापा तो लेके नहीं देंगे गिफ्ट, तो मैं पापा और नोनू के टाइम नहीं होगा, नोनू के पापा के और अपने ब्याह पे आपके लिए गिफ्ट ले आता हूँ। ये लो मम्मी काट ले, बिना देखे बता रहा हूँ, पापा को सब पता है। ओहो आजा नोनू, अरे निकाल के दिखाओ, ऐसे अंधेरा आ रहा है उस पे, कोई वाव वो भी तो करना होता है। मैं I'm surprised. Wow. मम्मी को क्या ही पता है? ये मम्मी को मेरी, नोनू की, पापा की और पोलू की, जीजू की, अशर की, सबकी तरफ से गिफ्ट। थैंक यू, दिखाओ यार इसको। थैंक यू, बहुत सुंदर है। ओहो भाई ये देखो स्पेशल एडिशन है ये कैरेट लेन का। मैं भी तो स्पेशल हूँ ना तुम्हारे लिए, तो फिर स्पेशल को तो स्पेशल मिलता ही है ना। बहुत सुंदर है बटरफ्लाई, और देखना मैं आज मैंने पहना भी ब्लू है। वाह एंजॉय मम्मी। थैंक यू, मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष में आपके लिए छोले कुलचे बनाए हैं। वाह मम्मी, बर्थडे आपका और पार्टी हमारी। यस, अभी मैं आपको पार्टी दे रही हूँ, अब शाम को आपने देनी है पार्टी मेरे को। डन है। मटर कुलचा सो टेस्टी। ओके थैंक यू। ये देखो मम्मी के लिए गिफ्ट आया है स्पेशली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, AK-47 संदीप जी ने भेजा है, मतलब AK-47 उनके फैन पेज का नाम है। फाइनली एक साल लगाया, मैंने भी मेहनत करी तब जाके खोला। अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, तो वॉल क्लॉक है भाई, पीकॉक, पीकॉक फेदर्स के साथ। थैंक यू संदीप, ये पूरा वो बना हुआ है पीकॉक है। हाँ। ये इधर लगेगा पूरा पीकॉक बन जाएगा। वाओ बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। वाह मम्मी हमें भी गिफ्ट आते हैं, ये देखो एक और गिफ्ट आया हुआ है। थैंक यू, वाओ वाओ। तो सुबह मैंने इनको बोला था कि मैंने अब आपको अच्छा अच्छा खाना खिला दिया, तो रात को तुम्हारी तरफ से पार्टी, तो देखो पार्टी के लिए मैं होगी रेडी, और हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है हमने, मैं क्या सारे ही रेडी हो गए हैं। ये देखो ये ऑलवेज हैंडसम बने रहते हैं, ये हमेशा शीशे के आगे ही खड़ा रहता है, इसके तो बाल ही नहीं सेट होते, और एक ये है, ये देखो ये हमेशा फोन में ही घुसा रहता है, इसको और कोई काम नहीं है। नहीं जी बिल्कुल नहीं, फोन तो हम यूज ही नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, बता दे जाना कहाँ है, रेडी तो सारे हो गए, पता किसी को नहीं है कहाँ जाना है। और वैसे ना हमेशा मेरे बर्थडे पे यही होता है कि पता ही नहीं होता हमने कहाँ जाना है, क्योंकि हमें कहीं जगह ही नहीं मिलती, सारा फुल होता है। कमाल है कंपनी, क्या बोलते हैं ना 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 ना, जहाँ जगह मिल जाएगी वहीं चले जाएंगे, खाना ही तो खाना है। अब्बू भैया जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले आएंगे। हाँ जी आप कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा अब्बू भैया जहाँ ले जाएंगे वहाँ चले आएंगे। हाँ सब 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 इसी पे डिपेंडेंट है। हाँ जी इनको अभी फुर्सत नहीं है, कभी फोन में कभी ये। यार मेरे को बताना पड़ेगा कहाँ जाना है। भाई तो तू ही है वो जिसको पता है, जिसको पता होता है कि कहाँ जगह मिलेगी। यू आर द ऑल नोइंग ज्ञान देवता। ज्ञान देवता, हर जगह का पता होता है तुझे, सब कुछ पता है। जब घर से निकले तब भी यही बात कर रहे थे कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है, चलो नीचे चल के डिसाइड करते हैं। अब नीचे सारे जने खड़े हैं, गाड़ियां सबकी स्टार्ट है, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है। पहले तो घर से निकलना ही नहीं, फिर निकलना है तो फिर पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। चलो जी फाइनली पहुंच गए भाई, पहुंच गए, पीछे गाने चल रहे, कॉपीराइट आ सकता है। मुझे लगा था कि बहुत रश होएगा और हमें जगह ऊपर है ना, रश हम नीचे ही बैठ गए, तो जगह मिल गई हमें फाइनली। हैप्पी बर्थडे टू यू।
सारे हाथ लगा लो, कल करा दूंगी। देखना चलते चलते आइसक्रीम याद आ गई रास्ते में। ब्रो एवरीथिंग इज ओके बट खाने के बाद आइसक्रीम इज मस्ट। मीठा खाना जरूरी है और सब मना कर रहे थे, हमने नहीं खानी, हमने नहीं खानी, सिर्फ मैं ही था इकलौता। हाँ मम्मी 16 साल के तो हो गए आज। हाँ 16 साल की हो गई आज मम्मी, फाइनली स्वीट 16 हो ही गई। हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। आइसक्रीम तुम खा रहे हो बर्थडे की? तो हमने तो आपको पूछा खा लो 10 बार पूछा, लो इस सामने ही आइसक्रीम वाला ठेला। नहीं मेरे को नहीं, मम्मी डाइट पे। और क्या, मम्मी को बस पतले होना है और कुछ नहीं है। तो गाइस फाइनली हम पार्टी से आ गए और अभी हम ना याद कर रहे थे, आज से कुछ साल पहले मैं और निश्चय गए थे मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आए थे और हम 30-30 रुपए हमारे अपनी पॉकेट मनी से बचा के 60 रुपए के गिफ्ट लेते हैं, पॉन्ड्स की क्रीम, छोटी सी कंघी और क्रीम पेस्ट, मतलब और आप जोर जोर से हंसे थे, चार पांच चीजें लेके आए और मम्मी जोर जोर से हंसी कि ये क्या मस्त मस्त लेके आए हैं, कितने क्यूट बच्चे हैं, इट वाज क्यूट। 60 रुपए के गिफ्ट लेके आए थे, वो भी टाइम था। और आज काले पाल से आज देख लो, आज देखो जब मुझे ये गिफ्ट मिला है। मम्मी इज एंजॉयिंग लाइफ। क्या कर रहा है इसको बचपन काले काले पाल से आज बचपन फुल याद कर रहा है। अरे वो सड़क पे आवाज ले आते थे भैया, पाल से काले ही काले। वाह यार वाह। और हम भी आते हैं भैया, 20 रुपए दे दो भैया, 20 रुपए दे दो। 20 रुपए की वो मिलती थी इनकम एक हफ्ते की। मम्मी को गिफ्ट मिला है, कितना सुंदर है ना फ्लावर्स, बड़े प्यारे हैं और फ्लावर्स में चॉकलेट भी लगी हुई है, बहुत ज्यादा सुंदर है, लगी है। ये तुम्हारे काम आएगी और प्लांट्स, ये फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर है। आपको और भी फ्लावर्स मिले हैं वो भी दिखाओ। हाँ। इधर ये भी फ्लावर्स मिले हैं मम्मी को, ये भी मिले हैं, ये देखो ये फ्लावर्स भी मिले हैं और ये इधर हैं, ये भी मिले हैं, कितने सारे फ्लावर्स आए हैं। और भी सुंदर है, रोज एक फूल के लिए बहुत सारे फूल आए हैं, हिंदी वाला फूल। अरे मैं वो कर दू ना, मतलब क्लैरिटी दे रहा हूँ ना, हिंदी वाली फूल है हमारी माता। आहा हा, आहा हा हा हा। गुलाब के लिए गुलाब। दिन लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना।